जाति आधारित आरक्षण के मुद्दे पर सभी राजनीतिक दलों से निराश जनरल समाज के लोगों ने जनरल समाज पार्टी की स्थापना की। अब इस पार्टी में चंडीगढ़ व पंजाब के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का मुख्य एजेंडा सामान्य श्रेणी के लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ना होगा। जहां आज पत्रकारों से बातचीत में जनरल समाज पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष सुरेश गोयल, वरिष्ठ नेता राजकुमार शर्मा ने बताया कि पिछले लंबे समय से सामान्य श्रेणी के लोगों द्वारा जातिगत आरक्षण के विरोध में अदालतों में लड़ाई लड़ी जा रही है, परंतु राजनीतिक दलों की गलतियों के कारण समाज में जातिवाद की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। साडा मेन मुद्दा है कि जरा जात आधारित आरक्षण है ये खत्म होना चाहिए। दूजी गल है भी एट्रोसिटी एक्ट जोड़ा है यदा कोई मतलब नहीं जो कि साडे देश जात पात है ही नहीं और एवें लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा। तीसरी गल यह है भी जी शिक्षा हैगी है यदा व्यापार बंद होना चाहिए, ये सब वास्ते फ्री होनी चाहिए, जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए, किता मुखी होनी चाहिए। चौथी गल सेहत सेवावां यदा व्यापार भी बंद होना चाहिए, ये भी फ्री होनी चाहिए। पहला साडे देश हुंदा सी, पहला साडे देश शिक्षा भी फ्री सी, सेहत सेवावां फ्री। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए मनदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।